अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको चने माश की दाल का तरीका बताऊंगी, इसको किस तरह तैयार करते हैं। बहुत आसान तरीके के साथ आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चने और माश की दाल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अदरक, अदरक हमें इस दाल के लिए ज़्यादा चाहिए होगा, हरी मिर्चें, लहसुन पाउडर, मसाले, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला, एक बड़ी इलायची और नमक हसबे ज़रूरत। माश की दाल मैंने भिगोकर एक घंटे के लिए रख ली है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे एक प्याली घी। इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया, अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन के। लहसुन का पेस्ट डाल के 2 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। दो सेकंड के लिए लहसुन मैंने अच्छी तरह भून लिया है। याद रखिएगा कि लहसुन जो है हमने ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि सेकंड के लिए मैंने लहसुन भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। अदरक मैंने अच्छी तरह डाल लिया है, इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चा बनना ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैं इसमें हाफ और ऐड करूंगी, 1/2 हल्दी पाउडर, 1/2 नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा। गर्म मसाला, 1 बड़ी इलायची, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले मैंने अच्छी तरह भून लिया, अब इसमें चने माश की दाल ऐड करेंगे और इसको मसाले में अच्छी तरह भूनेंगे। जब तक घी ना आ जाए तब तक हम इसको भूनते रहेंगे और इसके दरमियान में हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे 2 अदद। चने की दाल मैंने अच्छी तरह भून ली है, घी ऊपर आ गया। अब हम एक जग इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह सालन को मिक्स कर लिया है। पानी मैंने अब इसमें डाल दिया है, अभी इसको 25 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच में बंद रखने में पकाएंगे। पच्चीस मिनट के लिए हमने बंद रखने में माश चने की दाल हमने अच्छी तरह बना ली है। इसके ऊपर घी आ गया, माश चने की दाल हमारी तैयार हो गई है। अब मैं कर लेती हूँ इसको डिश आउट। ये थी आज की हमारी चना माश की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल GM देसी चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।